हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैम्स किचन एंड दिस इज़ प्रोमिला वर्मा। बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, मिलेट से बनने वाली ग्लूटन फ्री और हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो उसके लिए हमें ये क्या करना है कि ये एक कप मैंने स्प्राउट लिए हैं, मूंग के स्प्राउट हैं ये और ये घर पे ही बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्प्राउट ये हमारा तैयार हुआ हुआ है। तो ये स्प्राउट कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी मूंग, साबुत मूंग की दाल है ये। तो इसको अच्छे से दो तीन बार पानी डाल करके इसको हम वॉश कर लेंगे और फिर जो है इसको भिगो करके पानी में वॉश करके भिगो करके फिर हम इसको रख देंगे 8 से 10 घंटे तक के लिए, ताकि ये इसमें अच्छे से भीग जाएं। तो ये देखो इतना पानी डाल करके इसको हम ढक करके रख देंगे। ये मैंने मॉर्निंग में भिगोए हैं और मैं ये रात को 9-10 बजे के करीब आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह के हैं, काफ़ी भीग चुके हैं। और अब हम इसको एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेकर के और उसमें डाल करके गांठ लगा करके, ये सूखा ही कपड़ा है, आपने सारा पानी निकाल लेना है दाल का और फिर इसमें बांध करके, ये इस तरह से हमारा चपाती बॉक्स होता है जो होट केस टाइप होता है जिसको हम कैसरोल वगैरह बोलते हैं, तो इसमें हम रख देंगे ओवरनाइट। और रात को रखने के बाद सुबह जब हम इसको खोल कर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये देखो कितना बढ़िया हमारा स्प्राउट बनकर तैयार है। तो ये इस तरह से काफ़ी लंबा हमारा स्प्राउट निकल चुका है इसमें से। तो आप कोई भी दाल या कोई भी चने, सब इस तरह से आप स्प्राउट कर सकते हैं। ये एक जनरल इसका प्रोसीजर है और मुझे अभी भी इसको थोड़ा और स्प्राउट करना है, तो इसलिए हम इसको फिर से बांध करके और वापस से हम कैसरोल में रख देंगे और फिर ये 6 या 7 घंटे के लिए और इसमें पड़ा रहेगा। और फिर हम 6-7 घंटे के बाद जब हम इसको खोल कर देखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और एक हमारा हेल्दी सा स्प्राउट घर में ही देखो कितनी इजीली बन के तैयार हैं। तो इसलिए हमें मार्केट से स्प्राउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसान प्रोसीजर है इसका। और ये देखो कितने बड़े बड़े स्प्राउट इसके तैयार हैं। ये जितना अच्छा स्प्राउट है उतना ही हेल्दी है, घर में बना हुआ है और हमारे अपने हाथों से बना हुआ है, तो इसलिए हमें पता है कि हमने इसको हाइजीनिकली बनाया है। मार्केट का पता नहीं आप कितने दिनों का पैकेज होता है और आप लेकर आते हैं, तो आप इसको निकाल करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके फ्रिज में आप 5 से 6 या 7 दिन तक भी रख सकते हैं इसको। बट आप 5-6 दिन में आप इसको यूज़ कर लें। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इस स्प्राउट से हमने क्या बनाया है। तो एक कप स्प्राउट लेकर उसमें एक छोटा सा प्याज काट करके, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करी हुई, तो ये सब हम डालेंगे। और साथ में मसाले, नमक, मिर्च, जीरा, गरम मसाला, अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ा सा कुटा हुआ अनारदाना। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप रागी का आटा और ये मिलेट का फ्लोर है, बहुत ही हेल्दी, वेट लॉस में बहुत काम आता है ये और डायबिटीज़ फ्रेंडली भी है, PCOD के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इन सब पेशेंट्स को बिना किसी हिचकिचाहट के आप उनको ब्रेकफास्ट में या लंच में बनाकर दे सकते हैं। डिनर में आप इस चीज़ को अवॉइड करें, रागी की रोटी को, थोड़ा सा क्योंकि लेट डाइजेस्ट होता है ये और फिलिंग भी रहता है इससे काफ़ी। और मोर ओवर अब हम इसको इनोवेटिव तरीके में स्प्राउट डाल करके बना रहे हैं, तो ये पानी से थोड़ा लगाने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और इसको हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए ये हमारा रागी का आटा विद स्प्राउट्स बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी हम रोटी कैसे बनाएंगे।
तो इस तरह से हाथ में लेकर के कुछ आटा रोटी के हिसाब से, और फिर हम किसी भी प्लास्टिक के ऊपर रख कर के इसको स्प्रेड कर देंगे। अगर स्प्रेड नहीं होता आपसे तो थोड़ा सा पानी लगा लें हाथों को, और बस फिर तवा हमारा गर्म है, और थोड़ा सा आप कोई भी फैट मीडियम ऑयल घी आप इसमें डालें और अपनी रोटी को इसमें पकाएं। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो फैट मीडियम भी हमारा हेल्दी होना चाहिए। तो आप या तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या सेसमी, या देसी घी में बनाएं तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाते अपनी रोटियों पर। तो इस तरह से हमारा ये बिल्कुल हेल्दी सा और इजी बनने वाला ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। आप इसको बनाएं और दही के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ, आप जिस भी चीज़ के साथ आप इसको खाना चाहते हैं आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट आप बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ देखते रहिए पैम्स किचन पर इसी तरह से टेस्टी नई नई और हेल्दी रेसिपीज़। फिर मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।